नगर अल्प कपि दहई, सुनि अस बचन सत्य को कही। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनि अस बचन सत्य को कही। प्रसंग अंगद जी को रावण राम की सेना की तुलना करते हुए ये कहता है कि तुम्हारी सेना में तो कोई है ही नहीं जो मेरे सामने खड़ा हो। और ऐसा कहते कहते जब वो कह देता है हाँ एक है, एक ही, आवा नगर प्रथम जी जा रहा, जो आया था नगर जला के चला। देखो रावण का जो दृष्टिकोण है, राम जी के सेना में उसको सिर्फ हनुमान जी को, और लंका में किसी से भय खाता है तो कुंभकर्ण से भय खाता है और किसी और से खाता नहीं भय। पर कुंभकर्ण तो पालतू हो गया है क्योंकि मालूम है 6 महीना सोने वाला एक दिन सिर्फ खाने को उठता है, तो जानता है लंका में मेरा कोई योगदान तो है नहीं, मुझे रावण के भरोसे रहना है। तो अंगद इस बिंदु को बार बार रावण को चिढ़ाने के लिए, हम लोग छत्तीसगढ़ी में देखने का बार बार कड़काते मोले हैं, वही कड़काने वाली शब्द है, बार बार कहता है रावण सचमुच। वैसे अंगद इतना विनम्र पात्र है रामचरित मानस का, जिसमें अभिमान नाम की चीज ही नहीं है, अत्यधिक विनम्र है, और कहीं उनकी वाणी में अभिमान दिखता भी नहीं। पर रावण के सामने, रावण से जब चर्चा करता है ऐसा लगता है कि ये पूरा तैयारी करके आया, युद्ध की तैयारी कर दिया, शायद किसी सभा में युद्ध कर देगा, ऐसा ओजस्वी वक्ता है, बाक पड़ता उसमें। क्योंकि तो गहराई से अगर विचार करेंगे तो भगवाली ने मरते समय अंगद के हाथ को राम जी के हाथ में, ये बाली की बहुत होशियारी है, बाली की चालाकी है, क्योंकि तो राम के हाथ में दे देना, यानी राम का उत्तराधिकारी बना देना, जैसे सुमित्रा ने कहा था लक्ष्मण को तात तुम्हार मात बै देही, और यहां बाली कहता है अरे मैं तो पिता हूं लेकिन मैं तो भौतिक पिता हूं, मरने वाला हूं, असली पिता तो ये है, हाथ पकड़ दे, तेरा हाथ पकड़ रहे हैं तू उत्तराधिकारी। और ये तब साबित होता है जब अंगद विदा करने के बाद भी, अंगद जब नहीं जाता, भगवान श्री राम कहते हैं जाओ, तो कहते हैं महाराज मैं तो सेवा करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अंगद जी त्यागी नहीं है, अंगद जी को लोगों ने कहा अंगद जी त्यागी है, क्या त्यागी है, उसमें आसक्ति ही नहीं है, वो कहता है त्यागी है, अंगद जी में किसी प्रकार की आसक्ति ही नहीं है, ना उसे किष्किंधा चाहिए ना किष्किंधा का राज चाहिए, उसे तो श्री राम चाहिए, राम का पद चाहिए। ऐसा अंगद चर्चा करते हुए जब रावण को पिछले प्रसंग में रावण को चैलेंज करता है कि तू अपने मित्र से आज के 10 दिन बाद मिल लेना, तब पूछ लेना, राम विरोध कुशल जस होई, मुझसे क्या पूछता है, मुलाकात हो जाएगी। और रावण को लगता है ये छोटा सा बालक है, छोटे बदन बात बड़ी करसी, छोटा है लेकिन बोलता बहुत ज्यादा है। कहा देखो अंगद बहुत लिहाज कर रहा हूं, तू दूत है समझ के, धर्म क्या है, मैं राजा हूं, राजा का धर्म बहुत कुछ होता है, बर्दाश्त करना, छोटों को माफ करना,
मैं धर्म नीति जानता हूं, इसे तेरी बकवास सुन रहा हूं। तो अंगद जी बहुत मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या कहेंगे, मैंने भी सुना है तुम्हारे धर्मशीलता के बारे में, तुम्हारी धर्मशीलता तो मैंने भी सुनी है बहुत। रावण प्रसन्न होकर पूछता है किसने कहा, क्या सुना बताओ। तब किसी की प्रशंसा हो, प्रशंसा कर सुनने वाला कहता है किसने क्या कहा, कब कहा, क्या कहा, ये जरूर पूछता है। रावण पूछता अच्छा मेरे बारे में सुना है तुमने, बोले हाँ तो क्या सुना है। यही पराई की पराई स्त्री को हरण करने वाला अगर धर्मात्मा है तो तेरे जैसे बड़ा धर्मात्मा इस सृष्टि में नहीं है। पराई स्त्री को हरण करने वाला अगर धर्मात्मा है तो रावण तेरे जैसा धर्मात्मा इस सृष्टि में दूसरा कुछ नहीं। और दूत के पूंछ में आग लगाने वाला अगर धर्म नीति जानता है, क्षमा नीति जानता है, तो तेरे जैसा क्षमावान दूसरा नहीं। तीसरी बात, तूने अपनी बहन को नाक कान कटाए हुए देखा और कुछ भी नहीं पूछा, क्षमा कर दिया। अरे ये है तुम्हारी क्षमाशीलता। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी, जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी, सुर्प नखा की कटी नाक फिर कैसे जोड़ी जाएगी। क्या उस नाक को जोड़ सकते हैं? यह है तुम्हारी समाजशीलता। तुमने ये भी नहीं पूछा तू वहां गया क्यों, क्यों 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 गई थी, उन तपस्वियों को छेड़ा तुमने क्यों, उन्होंने और किसी के नाक कान तो नहीं काटे, तेरे ही नाक कान क्यों काटे, पूछा भी नहीं। वाह रे तेरी क्षमाशीलता। अरे तो अब रावण को कहता है तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, अगर यही तेरी क्षमाशीलता है, यही तेरी तेरे धर्म है, धर्मशीलता है, तो चुल्लू भर पानी खोज ले, खोजने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल समुद्र लहरा रहा है, डूब के मर जा। कह कपि धर्म शीलता तोरी औ हमहु सुनी कृत पर त्रिया चोरी, देखी नयन दूत रखवारी बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी, नाक कान बिनु भगिनी निहारी, क्षमा किन्नी तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हम बड़ भागी। अब रावण कहता है अंगद ठहर जा, अंगद जब ठहर जा थोड़ा सा रुक, बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहा है। रावण कहता है, रावण अब गर जा कहा, अरे धीठ हो मौन, लंका पति से रन करे ऐसा जग में कौन, मेरे साथ रन कर ऐसा कौन योद्धा है तुम्हारे दल में। तुम्हारे कटक माज सुनू अंगद मोसन कवन विरही जोधा बद, क्योंकि मेरे पास कुंभकरण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, अभोर पराक्रम नहीं सुने ही और जीते मुचरा चर धार। कुंभकरण जैसा भाई है, इंद्रजीत जैसा मेरा पुत्र है, और तुम्हारे दल में ऐसी किसी की विशेषता कुछ है, एक भी विशेषता नहीं है। तव प्रभु नारी विरह बलहीना अनुज तासु दुख दुखी मलीना, तुम सुग्रीव कुल द्रुम दऊ अनुज हमार भीरु अति सो। ये हाल है तुम्हारा, मालिक तेरा नाबालिक है। रावण कहता है, रावण कहता है मालिक तेरा नाबालिक है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका
हर वक्त दुखी रहता है। बानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता टटका, जिस जामवंत पर फूले तुम, चौथापन है अब उस भटका। नल और नील शिल्पी कोरे इंजीनियर है, नल और नील शिल्पी कोरे, सीखे न युद्ध में आना वह, है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड्ग उठाना वह। कुछ है तो एक वही कुछ है, जो आकर लंका जला गया, क्या कहूं तोड़ कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। एक वही वीर है। अंगद ने पूछा, अच्छा अच्छा तो लंका जलाया, उसका नाम क्या है? एक बानर कहता है नाम नहीं बता रहा है, नाम बताओ। तुरे नाम नहीं मालूम। अच्छा काम बता। काम तो बता रहा हूं। अच्छा दिखता कैसे? अरे जितने बानर सब एक जैसे दिखते हो, बंदरों के मुंह लगभग एक जैसे दिखते हैं। अंगद जी कहता है रावण नगर अल्प कपी दही। रावण के नगर को एक छोटा सा बानर आके जला के चला गया, और सुनियस बचन सत्य को कही। तीनों लोग भी जिसको बताओ रावण का नगर एक बंदर चला दिया, कोई विश्वास नहीं करता। स्वयं भगवान राम भी पूछते हैं हनुमान जी से, कहू कपि रावण पालित लंका। रावण के द्वारा पोषित सुरक्षित संरक्षित रावण लंका को कैसे तुमने जला दिया, कौन विश्वास करेगा? अंगद ने पूछा, क्या सचमुच लंका जला जल गई? बोले हाँ। अंगद ने पूछा, आप थे कि आप बाहर थे? लंका में आप थे जली तो, या आप कहीं बाहर घूमने गए थे, या कहीं बाहर प्रदेश चले गए थे? अरे भाई मेरे सामने लंका धू धू करके जल गई। अंगद जी कहते हैं, आपके सामने जल गई, एक बार और तो कहो आप। अंगद बोले हैं, फिर कहिए यह क्या श्री मुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल, वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ नचाया करता है, वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ नचाया करता है, हाय भाग दौड़ में नामी वह, चिट्ठियां घुमाया करता है। इतने छोटे से बानर हरकारा है, हमने इसीलिए भेजा था उसको, और सचमुच आप बोल रहे हो, और तुम उसको सुभट कह रहे हो। जो अति सुभट सराहे हो रावण, तो सुग्रीव केरल गुधावन। इसको सुभट कह रहे हो, वो दूत है, सुग्रीव का धावन है, और फिर भी कह रहे हो रावण नगर, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? अच्छा इसीलिए आज तक वापस नहीं गया, मैं उसी का पता लगाने आया, डर के मारे कहीं छुप गया है। तो स्वामी जी लिखते हैं अंगद जी का, सत्य नगर कपि जारेउ, बिनु प्रभु आय सुपाई, और फिर न गए वो सुग्रीव ही भय रहा लुकाय, क्योंकि उसे जो कहा गया है वो किया ही नहीं, और जो नहीं कहा गया है वो किया है। उसको जो आदेश दिया गया है, जिस काम को करने के लिए भेजा गया है, उस काम को किया ही नहीं है, और जिस काम को नहीं कहा गया उसको किया है। तो रावण ने पूछा उनको, क्या उस बानर को कौन सा काम बताया गया था, जरा बताओ उस बानर को कौन सा काम बताया गया था? तंगत जी कहते हैं, उसे मेरे सामने ही महाराज सुग्रीव ने चार काम बताए। चार काम कौन कौन से? चार काम,
कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य विचार समझाए थे। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य विचार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। कौन सा काम बताए? उन्हें कहा गया था पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना, पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना, तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। ये चार काम बताए, पहले सीता जी से मुलाकात करना, फिर लंका को चौपट करके समुद्र में बहा देना, तीसरा बताया गया था सीता जी को कंधे पे बिठा के ले आना, और चौथा काम कहा था साथ ही रावण को भी घसीट के ले आना। ये काम किया नहीं? अब इतना सुनना था तो वहां जो बैठे थे ना राक्षस जितने निशाचर, कब अवसर मिले तो यहां से भाग जाए। पर रावण जैसा घूर के देखता, तरेर के देखता, बेचारे डर के मारे बैठ जाते, पर उनकी इच्छा थी भाग जाओ यहां से। क्यों? अंगद की यह बात सुन कांपा असुर समाज, कहें कहीं पूरी करे यही न चारों काज। वो तो चला गया, चारों काम यही थोड़ी करने वाला है, लंका को समुद्र में डुबाने वाला है तो भाग जाए यहां से। एक ने कहा भाग जाएंगे कहां जाएंगे, लंका से बाहर तो जाएंगे नहीं, जब लंका डूबेगी तो हमको भी डूबना ही है, कहां भागेंगे, यहां जाएंगे लंका में ही रहेंगे, जब डूबना ही है मरना ही है तो चलो साथ ही साथ रहेंगे। अरंगद ने कहा सचमुच रावण तुमके तुम्हारे साथ लड़ने वाला कोई योद्धा हमारे दल में है ही नहीं, क्योंकि तुम हमारे छोटे से बानर के योग्य नहीं हुए, तुम्हारे देखते देखते छोटे से बानर ने तुम्हारा लंका जला दिया, तुम्हारे सेना को मार दिया, और उसके बाद भी तुम कहते हो कि कोई लड़ने वाला है, क्योंकि तो प्रीति विरोध समान प्रीति असि आई, प्रीति समान के साथ, विरोध समान के साथ, तुम्हारे प्रताप को तेज को बल को एक छोटा सा जू नाप कर चला गया। छोटा सा अनरा बनरा तेरे लंका को फूंक गया, छोटा सा अनरा बनरा तेरे लंका को फूंक गया, देखते सामने तेरे ही चेहरे पर काली पूत गया, तेरे चेहरे में काली लगा चल दिया। अच्छा एक चीज बताओ, आप कहते हो उस बानर ने जला दिया, बोले हाँ, वो माचिस लेके आया था क्या, पेट्रोल लेके आया था क्या, कपड़ा लेके आया था क्या? रावण कहता नहीं, तब सब हमारा ही है, सब हमारा ही है, तेल भी हमारा, कपड़ा भी हमारा, माचिस भी हमारा, कैसे कर रहे तुम उसके पूंछ में आग लगा रहे थे? अंगद जी कहते हैं वो बंदर के पूंछ में आग लगा रहे थे, बोले हाँ, और लग गई तुम्हारे मुछ में आग। रावण तत्काल अपने मुछ को हाथ लगाता है कि नहीं, वो बानर की पूंछ नहीं जली महाराज, तुम्हारी मुछ जली है। अंगद इतने बागपटु हैं, तेरी मुछ को बानर का पूंछ ले गया, और तेरे यहां तो सब मेढक हैं, और हमारे यहां सब शेर हैं, सब सिंह हैं, और सिंह अगर मेढक से लड़े तो सिंह को शोभा देता नहीं। अब रावण कितना नाराज हुआ, तो हमें मेढक कहता है, हम कितने बलशाली जानते हो। बोला तुमको यह ज्ञात नहीं मैं काल जीत मतवाला हूं, बोला तुमको यह ज्ञात नहीं मैं काल जीत मतवाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग बिसवाला हूं। मेरे काटे का मंत्र नहीं है,
मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे बाणों से थर्राया है, सूरज मेरे संकेतों पर, सूरज मेरे संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गर्माता है, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है, मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, मैं वो रावण सूर कवन रावण सरिस। अंगद ऐसा सुरवीर तुमको खोजने में नहीं मिलेगा, त्रिभुवन में जाओ तीनों लोक में खोज लो। सूर कवन रावण सरिस सकर काटी जेही सीस, हुने अनलति हरसी बहु बारसाखी गौरी। अंगद जी ने कहा वाह क्या बात है। कह अंगद सलज मन माही, रावण तो ही समान को नाही। रावण शीश काटने से कोई वीर नहीं होता, शीश काटने से कोई वीर नहीं होता, इंद्रजाल दिखलाने वाला दिन भर में कई बार अपने शरीर को काटता है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये महावीर है। तो तू अपने आप को वीर कैसे कहता है, अपने शरीर अपने सिर को काट लिए इसलिए। तुम्हें दो बातें याद है, सिर को काटा और पहाड़ को उठाया, इसके आगे तेरी कोई कहानी नहीं है। सिर को काटा वो याद है, पहाड़ को उठाया शंकर जी सहित वो तुम्हें याद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तुलना हम या तो पतंगा से कर सकते हैं या गधे से कर सकते हैं। तेरी औकात बस इतनी, या तू पतंगा है या गधा है। अरे एक बोलो ना, गधा बोलो या पतंगा बोलो। पंगज जी कहते हैं ये गधा भी है पतंगा भी है, दोनों का कॉम्बो है गधा और पतंगा का। जर ही पतंगा भी मोह बस भार बही खर बृंद, ते नहीं सूर कहा वही असमुझी देख मति मन। रावण तुमने पतंगा को अग्नि पर कूदते देखा है, जल कर राख होते हुए देखा है, किसी ने आज तक कहा कि पतंगा शहीद हुआ, किसी ने कहा है बहुत बड़ा वीर है, जल के मरने मरने में तैयार, मरने के लिए तैयार रहता है, इसे लोग कहते हैं पतंगा मूर्ख है। किसी की वृद्धि देख नहीं पा रहे हो, जल के क्यों मर रहे हो, ये कोई प्रशंसा भी करना चाहते हो, प्रशंसा करने का ढंग है क्या। दीपक की लौ में पतंगा का कूदना पतंगा की मूर्खता है। क्या दीपक ने कभी पतंगा को आमंत्रण दिया है। सही बात तो यह है, पतंगा दीपक का जलना देख नहीं सकता और उस दीपक को बुझाने के लिए कूदता है और इस प्रयास में जलकर मर जाता है। रावण तू पतंगा जैसे मूर्ख है, राम जैसे सूर्य को प्रकाश को तू बुझाना चाहता है, कूदेगा उस प्रकाश में तो जलेगा और जले के मरेगा, राख हो जाएगा। गधा को सब जानते हैं, सब कहते हैं भारवाही जो लाद दो, गधे को मतलब नहीं क्या लादा गया है, पत्थर लादा गया है कि कूड़ा करकट लादा गया है कि चंदन लादा गया है कि भेद लादा गया है, इसको गधे से कोई मतलब नहीं है। क्या लादा है इस गधे से, गधे को कोई मतलब नहीं। चंदन लदा हो तो कोई गधे को, गधे को इत्र बेचने वाला नहीं कहेंगे, भेद लदा हो तो कोई गधे को शंकराचार्य नहीं कहेंगे कि शंकराचार्य चारों वेद लादा है। हर स्थिति में गधा गधा ही रहेगा।
जैसे तुम पहाड़ उठाने गए थे, गधे की डिग्री लेकर आ गए, सिर को काटे पतंगा की डिग्री लेके आ गए। रावण, सिर काटने का अर्थ वो नहीं है जो तुम करते आए। ईश्वर को क्या चाहिए? कितनी मूर्खता को तुम्हारी भगवान स्वीकार करेंगे? और जितनी मूर्खता स्वीकार किया है भगवान ने, उतना ही तुमको दिया। रावण, तुम्हारे अंगद जी कहते हैं मैं तुम्हारे सभी पराक्रम को जानता हूं। देखो, रावण के बल का ऐसा मंथन अंगद जी करते हैं, सभा उन्हीं की, सिंहासन में रावण और उसी के सभासद उनके सामने एक भय का वातावरण पैदा कर देता है, एक दहशत पैदा कर देता है। रावण के लोगों में एक लंका में एक दहशत का वातावरण, और अंत में कह देता है तेरा रिजल्ट मैं बता दूं, मैं तेरा रिजल्ट निकाल चुका हूं। कौन सा रिजल्ट? जाने उतव बल अधम सुरारी। सुरारी देवताओं के दुश्मन हो, लेकिन कैसे दुश्मन बोला था? जाने उतव बल अधम सुरारी, असुने हरी आने ऊपर नारी। कितने बहादुर हो, कितने वीर हो, सुने में दूसरे की स्त्री का हरण करते, यही तुम्हारा था। अच्छा अंगद कहते, अच्छा रावण एक बात बता, कितने प्रकार के रावण हुए हैं आज तक? उनमें से तू कौन सा रावण है? तू कौन सा रावण है? अंगद कहते, रावण कहता है मूर्ख, रावण एक ही है, वो मैं, और कोई रावण नहीं है। पर अंगद जी कहते हैं मैंने तो सुना है कई रावण है, उनमें से तू कौन सा रावण है बताना। कहू रावण रावण जग के ते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। मैंने सुना है इतने रावण हुए हैं, तुम बताना तुम कौन से रावण हो। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा के बल भंजन को, क्या कभी पाताल गए थे बलि राजा से लड़ने? कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। पाताल में छोटे छोटे बच्चों ने उनको पकड़ लिया, पकड़ ही नहीं लिया, घुड़साल में ही बांध दिया। इतने ताकत वाले हैं पाताल लोग के। रावण जैसे बलि को बांध दिया बच्चों ने, खेली खेल में खिलौना बनाएंगे चलो बांध दो। और करते क्या थे वहां? 10 सिर रावण का, 20 भुजा सबको तान के बांध दिए थे, और सब में दीपक जलाते थे। 10 हाथ इधर, 10 हाथ इधर, 10 सिर, 30 दीपक एक साथ बच्चे जलाते रावण के ऊपर। इस प्रकार रावण से खेलते थे। बलि महाराज को दया आई, जाके छुड़ाए थे, अरे रावण है छोड़ दो इसको। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा के बल भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़साल में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, घुड़साल में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। कथा तो और भी आती है, दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ बलि के, तो दरवाजे में पहरेदार थे भगवान वामन। रावण ने कहा हट जा, मेरा दरवाजा, मेरे सामने से मुझे जाना है। बोले कहाँ? बलि राजा से युद्ध करना है, मैं रावण। वामन ने कहा बलि से बाद में युद्ध करना, पहले द्वारपाल से युद्ध कर ले। रावण ने कहा तू छटाक भर का है, मेरे से कहे कि कैसे युद्ध करेगा? बोले लड़ तो ले,
अच्छा तू ही आक्रमण कर ले। भगवान ने कहा ज्यादा बहस करना ठीक नहीं है, 1 लाख खड़े खड़े वहीं से मारा रावण को। तो कहते हैं रावण आकर के गिर गया था लंका में वामन भगवान के 1 लाख से, ऐसी भी कथा। अंगद रावण को पूछ रहा है ना, तो कौन सा रावण है? दूसरा रावण उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सफान किरकिरी कर दी थी, उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी तेरी शान किरकिरी कर दी थी, कुछ सुधी है धनुष महोत्सव में जो सब सौ पर बिंदी धर दी। गए थे वहां क्या हुआ? तेरी शान तो वही सहस्त्रबाहु ने कर दिया और वहां धनुष महोत्सव में तुम एक बिंदु बन के आ गए, कुछ किया नहीं तुम। क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए? शान ऐसा बताते हो? क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, काटे तन इंद्रजालिये यदि तो योद्धा नहीं कहाए, काटे तन इंद्रजालिये यदि तो योद्धा नहीं कहाए। जतलाते बारंबार आप मैं बड़ा हठी हूं क्रोधी हूं, जतलाते बारंबार आप मैं बड़ा हठी हूं क्रोधी हूं, बलिहारी यह भी तो कहिए बाली कांख का कैदी हूं। क्यों नहीं कहते कैदी रहा हूं? रामचरितमानस में गोस्वामी जी अपनी चौपाई में यही लिखते हैं, बलि ही जितन एक गए पताला, राखे बांधी शिशुन है साला, अकेले ही बालक मार ही जाई, अदया लागी बलि दिन छोड़ाई, एक बहोरी सहज सहस भुज देखा, अधाई धराजिमी जंतु भी सेखा, कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाय छुड़ावा। अंगद जी कहते हैं एक कहत मुनि सब कुछ अति, रहा बाल की कांख इन मह रावण तय कवन। इतने रावण बताए, इन मह रावण तय कवन, सत्य बदही तजिमा। अहंकार को छोड़ के बताओ। रावण कहता है अरे सठ अंगद, तुम्हें कौन सा रावण हूं ये जानना चाहता है? मैं कौन सा रावण हूं ये तुम जानना चाहते हो? तो सुनो, तू सोई रावण जग विदित प्रतापी, मैं वो रावण हूं सारा संसार मेरे प्रताप को जानता है, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी, मेरे मुकाबले में कोई दूसरा तुमने सुना नहीं होगा, रावण तुम्हें। और रावण अलीक है, उसकी लकीर को कोई आज तक क्रॉस नहीं कर पाया है, और तू बंदर होके ते ही रावण कहां लघु काशी, तू उस रावण को छोटा कहता है? और नर कर कर असी बखान, उस नर का बखान कर रहा है? रे कपि बर बर खर बखल अब जाना सौ ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान पर मुझे दया आती है। अंगद जी कहते मुझे तो कहना पड़ेगा बार बार, रावण नगर अल्प कपि दही, असुनी अस बचन सत्य को कही। कहा अंगद जी ने भाई आप, अच्छा एक बात बता रहा हूं, कुछ स्पेशल बात बता, तेरे पक्ष में जाती हूं। मैं पहले उस दिन बोला था ये ड्यूएट है, कोई विवाद विवाद नहीं है,